पर्यटन के लिए मशहूर गोवा में खेती के प्रति लोगों की बढ़ती रुचि सचमुच सुखद है। मंडी.com की टीम ने जब इस बदलते रुझान की पड़ताल की तो यह भी सच सामने आया कि किसी प्रदेश में सरकार की सक्रिय रुचि और भागीदारी से कृषि की चाल और उसका चेहरा किस हद तक बदल सकता है। दरअसल पिछले 5-6 वर्षों में गोवा में कृषि पर निर्भर लोगों की संख्या दोगुनी हो गई है और इस घटनाक्रम में सरकार की सीधी भागीदारी हर जगह देखी जा सकती है। सरकार की काफ़ी अच्छी भूमिका है क्योंकि गोवा में हर तरह के सब्सिडीज जो हर तरह के सब आपको समझो फार्म मशीनरी परचेज करनी है तो हर मशीनरी को साधारण 75% ये जो इंडिविजुअल फार्मर को भी मिलती है और जैसे फार्मर क्लब फार्मर एसोसिएशन इनको सबको सब्सिडी मिलती है तो इससे काफ़ी तरह के पावर टीलर ट्रैक्टर लोगों ने परचेज किए है ग्रास कटिंग मशीन और तरह तरह की जो मशीनरी होती है उसका एक है। दूसरे बहुत से और समझो सिंचाई के बारे में समझो वेल बनाने का है कि वह टैंक बनाने का है वहाँ भी 75% सब्सिडी मिलती है। ड्रिप इरिगेशन स्प्रिंकलर इरिगेशन पंप बिठाने के लिए सबके लिए 75% सब्सिडी है। छोटे किसान समूहों को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने में वित्तीय संस्थानों की भी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। कम से कम चोडल मॉडल फार्मर्स क्लब के मॉडल को सफल बनाने में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सक्रिय भूमिका से तो यही साबित होता है। क्लब के अध्यक्ष और सचिव ये कहने में कोई संकोच नहीं करते कि किसानों को मशीन और लॉजिस्टिक्स की सहायता उपलब्ध कराने की उनकी कोशिशें बैंक की मदद के बिना संभव नहीं हो सकती थी और यही ट्रेंड पूरे गोवा में नजर आता है। अभी जैसे अपने सरकार ने जो सरकार कर रही है कि किसानों की इनकम बढ़ाओ तो ये सब इनिशिएटिव दे करके तो उनमें भी थोड़ी जागरूकता आ रही है कि हम एक खेती की तरफ बढ़ें। ठीक है तो वो इस तरह से वो बैंक भी प्लस उनकी तरफ इन्वॉल्व हो रही है और वो चाह रही है कि हम एक फाइनेंस मतलब एक बैंक से जुड़ें और फाइनेंस लें और खेती में इंटरेस्ट लें तो उस हिसाब से उनको मतलब एक सरकार की प्लस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की एक बहुत अहम भूमिका रही है और किसानों की मदद करने में हमें मतलब एक खुशी भी होती है कि हम उन्हें मदद कर रहे हैं उनका इनकम जनरेशन कर रहे हैं। गोवा सरकार ने भी खेती को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाई हैं। इनमें सभी कृषिगत मशीनों पर 75% की और ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर पर भी 75% की सब्सिडी जैसी सहूलियतों से लेकर अलग अलग अनाजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने जैसी सुविधाएं शामिल हैं। यहां तक कि सरकार जुताई के लिए भी 15% की सब्सिडी देती है। गोवा गवर्नमेंट ने फार्मर्स को हेल्प करने के लिए बेसिकली मैकेनाइजेशन में भर ये दिया है स्ट्रेस दिया है और दूसरा एश्योर्ड प्राइस है देने के लिए दो स्कीम के लिए बहुत सरकार स्ट्रेस दिया है। मैकेनाइजेशन के लिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है उसमें एड ऑन सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट ने दी है और हमारा सब्सिडी का रेंज 75-90% है 75 जनरलिस्ट फार्मर के लिए और 90% ST और SC बंदों के लिए और एश्योर्ड प्राइस में हम नारियल चावल और बाद में ऑयल पाम शुगर केन और कोकोनट एंड अरेकोनट ऐसे क्रॉप को एश्योर्ड प्राइस देते हैं। गोवा की MSP स्कीम में सरकार किसानों से सीधे खरीद न करके उन्हें बाजार और MSP का अंतर नकद रूप में दे देती है। सरकार की योजनाओं से कई लोग अब खेती से जुड़ने लगे हैं। खास तौर पर ऑर्किड फूल रंग बिरंगे शिमला मिर्च जैसी गैर पारंपरिक फसलें और पॉली हाउस जैसे आधुनिक कृषि तकनीकों की मदद से कई कमोडिटीज की खेती में गोवा अपनी अलग पहचान भी बना रहा है। महज 55-60 साल पहले का वो दौर देश आज पूरी तरह भूल चुका है जब गोवा पुर्तगाल की कॉलोनी हुआ करता था। उस समय यहाँ खेती मजबूरी और उत्पीड़न का नाम थी क्योंकि यहाँ आजीविका का दूसरा कोई साधन नहीं था। राज्य की करीब 84% जनता खेती पर ही आश्रित थी लेकिन दिसंबर 1961 में गोवा को पुर्तगाल से आज़ादी मिली और यहाँ की अर्थव्यवस्था ने एक नई करवट ली। स्थिति यहाँ तक पहुँची कि 2010 में केवल 6% जनता यहाँ खेती पर आश्रित रह गई लेकिन अब खेती के प्रति गोवा के लोगों का नज़रिया एक बार फिर बदल रहा है।
और यहाँ के किसान कई मायनों में देश के दूसरे किसानों के लिए एक नज़ीर बन रहे हैं। मंडी.com के लिए गोवा से अनिल वत्स के साथ भुवन भास्कर।